म्हणून म्हणता मोठं कुल तिथे जग भुलं। तर थँक्यू मॅडी। खऱ्या अर्थानं इथे गोटेकर बी टीम शहापूर वरून अजूनही मॅचला एन्जॉय करतायत। अर्थातच आतिश डोंगरे यांचंही मनापासून स्वागत करूया। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। क्या कमाल की जीत हासिल की यहाँ पर अबाकलन इलेवन टीम ने और शिवन्या इलेवन दिगोडे टीम को मात्र परास्त किया। सेकंड राउंड का सेकंड मुकाबला काबा वर्सेस भावेश। पहली गेंद दोनों युवा खिलाड़ी पॉइंट में पकड़े गए। पहला बड़ा छटका पृथ्वी इलेवन दारावे टीम को। एक समय ऐसा था कि वडोली टीम के पास दस खिलाड़ी नहीं, दो तीन खिलाड़ी नहीं थे, दस खिलाड़ी से खेल रही थी। लेकिन आज जितने के आप भी इतने खिलाड़ी है कि एक को एक्स्ट्रा रखना पड़ा। लेकिन विशाल की वापसी बेहतरीन खिलाड़ी है, जरूरत थी ये मैच में, जरूरत थी विशाल की वापसी ही। और ये दोनों भी ताकतवर टीमें हैं। हालांकि इस सीजन में पगड़ा थोड़ा सा भारी रहा है गेंदबाजों का दारावे टीम के ऊपर। जैसे विकी भोईर रफ्तार की बड़ी गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह गेंदबाज कमलेश करते हैं। और ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। और जब भी वडोली टीम आई है ना इस मैदान के ऊपर नंबर लेकर गई है। लेकिन दारावी टीम है सामने, चुनौती जरूर होगी। हाफ हैकर की बॉल मिड ऑन के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। तो बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल माफ कीजिए चौका आता हुआ चार रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई एक विकेट के नुकसान के ऊपर, चार रन गेंदबाज तैयार। इस बार क्रॉस पैडेड खेलने की कोशिश हल्की सी अपील हुई थी लेकिन नाइट फैक्टर को देखा अंपायर ने। और यहां पर कह रहे कि काबा नॉन स्ट्राइक इन पर बॉलर इन की तरफ थ्रो कीजिए, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश कीजिए, कवर के लिए खिलाड़ी थे। लेकिन यहां पर हिट नहीं किया, एक रन बटोरा एक रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे, पांच रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तो बिल्कुल हमारे अंपायर संतोष चौधरी सर श्रीडोन इनकी ओर से भी शुभकामनाएं आ चुकी है, उनका भी स्वागत करेंगे। क्या बेहतरीन लाइन से गेंदबाजी चल रही है, लाजवाब कमबैक। इसलिए कहते हैं धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल भी सदैव मीठा होता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धैर्य के साथ दोनों टीमें मैदान के ऊपर अपना यहाँ पर प्रदर्शन देती हुई। डॉट बॉल की समाप्ति, पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी एक गेंद का खेल बचा इस पावर प्ले के ओवर का। ऑन साइड में बेहतरीन स्ट्रोक है, फील्डर है वहां पर मौजूद, रुपेश उठाएंगे फील्ड करेंगे, कल्पेश थे माफ कीजिएगा। तब तक आसानी के साथ एक रन मुकम्मल। और इसी से एक रनों के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद हालांकि पृथ्वी इलेवन दारावे टीम की रन संख्या है छह रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। मैडी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, कल के लॉर्ड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए, कल इस पोल में 10 टीमें होगी इस नाइट टूर्नामेंट में और तीसरी रात्रि होगी कल की। जो भी टीम लाइव देख रहे होंगे तो उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आपको परफेक्ट 7 बजे रिपोर्टिंग करनी है, 6:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है। लगभग 7:45 या 7 के करीब पहली गेंद फेंकी जाएगी। तो पहला मैच होगा विघ्नहर्ता वर्चे ओले विपक्ष आयांश इलेवन कोपर, दूसरा मुकाबला श्रेया इलेवन वडगर बनाम बीसीसी पागोटे, तीसरा मुकाबला आर्यस उरन कोटना का केदार भोईर। तो दूसरी तरफ होंगी गावदेवी पेट, चौथा मुकाबला आयांश मोबाइल युवा स्पोर्ट्स नांदगांव विपक्ष कोम्बड़ भुजे, और अंतिम मुकाबला होगा गावदेवी जुई गिरी चिमने बनाम कनकेश्वरी नौगर। ये 10 टीमें होगी दिनेश बंडा। तो समय पे आना है आपको, 6:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है, 7 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी या 7:45 बजे, ये कमेटी निर्णय जरूर, लेकिन 6:30 बजे परफेक्ट आपको रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि आयोजक काफी तत्पर है। 6 बजे यहाँ पर आते हैं और निश्चित तौर पर मैच तुरंत स्टार्ट करते हैं। चार रात्रि में दमदार यहाँ पर आपको आयोजन नजर आएगा। चलिए मैच की तरफ चलते हैं, गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से।
पेवलियन एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, आउटफील्ड फास्ट है, नहीं रुकेगी, थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पर, चार रन। मंदिर डोंगराचे पायाशी है आई तुझा माहेर, डोंगराचे पायाशी है। उनका लय में आना बहुत जरूरी है, ये भी अच्छे खासे शुरुआत देना पसंद करते टीम के लिए। ये चकमा दिया इस गेंद ने, मेरे ख्याल से अपील तो हुई है काफी स्ट्रांग, लेकिन देखेंगे दोनों अंपायर यहां पर सलाह मसलत करते हुए। जो बैट्समैन का रिएक्शन होता है ना, कभी कभी अंपायर्स को भी संभ्रम में डालते हैं। डॉट बॉल हुई, अपील हुई थी विकेट के ऊपर, पीछे थोड़े से पलटे, ऐसा लगता है कि ये खुद निकल पड़ेंगे। अब ये टेंशन वाला माहौल होता है, और ये जो माहौल है ना वो शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो दे, देखेंगे। लेकिन विशाल एज अ गुड क्रिकेटर, काफी जोर से अपील हुई थी विकेट कीपर के पीछे इनसे, लेकिन देखेंगे ये थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश शायद की गई थी, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार जरूर करेंगे। तो बैट्समैन होंगे आउट, इसी के साथ बल्लेबाज के हुआ पारी का खात्मा। शायद एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं अंदर की तरफ लाने की कोशिश, लेकिन यहां पर ये जो खिलाड़ी ना बेहतरीन खिलाड़ी है, चकमा दिया इस गेंद के ऊपर और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा, और ये दूसरा बड़ा छटका पृथ्वी 11 दारावे टीम को। तो बिल्कुल चलिए बैट्समैन होंगे धीरज मैदान से बाहर, अब नए बैट्समैन आते हुए सचिन नाइक। पहले मैच में इसी टीम ने दारावी टीम को, माफ कीजिएगा, गोरसई टीम को परास्त किया दारावी टीम ने, और इस मर्तबा खेल रही है बिल्कुल दारावी टीम बड़ौली टीम के खिलाफ। दोनों भी टीमें अच्छी है, ताकतवर टीम है, एक दूसरे के परास्त करने की ताकत रखते है, लेकिन यहां पर देखेंगे थोड़े से दो विकेट जल्दी लौटे। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो पूरी तरीके से बल्लेबाज दो आउट होकर मैदान से बाहर लौटे हैं। क्या बेहतरीन गेंद यहां पर देखने को मिली, जिस गेंद के ऊपर पूरी तरीके से दबाव में रखा यहां पर बल्लेबाज को। तिथि आम प्रेक्षक है विनंती करते माल की गेंदबाजी यहां पर चलती हुई, और लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन है यहां पर गेंदबाज मेरे ख्याल से ऋतिक पाटिल के माध्यम से। सम्मिश्रित गेंदबाजी होना भी जरूरी है, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लेकिन यहां पर देखेंगे लड़ते रहे जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद क्या लाजवाब कमबैक किया यहां पर गेंदबाज ऋतिक ने, और पूरी तरीके से दबाव में रखा है अब तक पृथ्वी 11 दारावी टीम को। जैसे रन बनेंगे वैसे मजा आएगा मुकाबले में। टैप करने की कोशिश यहां पर, डीप पॉइंट में फील्डर है तैनात, उठाएंगे फील्ड करेंगे, एक रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटे थे सचिन नाइक, मना कर दिया विशाल ने, पहले ही दो विकेट जल्दी सस्ते में लौटे हैं, उसके वजह से दिक्कतें नहीं उठाना चाहते, दबाव नहीं लेना चाहते। सिंगल के साथ यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन। थोड़ी सी परिस्थिति नाजुक है, लेकिन देखेंगे इस परिस्थिति से बाहर निकालना होगा, क्योंकि जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। अब देखेंगे इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने कितना बड़ा परफॉर्मेंस दे पाएगी। हाफ ट्रैकर की बॉल, जरूरत थी बड़े शॉट की, लगातार प्रेशर हो रहा था, प्रेशर को क्रिएट करते हुए आखिरकार दबाव कम किया, गेंद सीमा पार, 6 रन। थी तीन कामोटे, एक थी मेरे ख्याल से दिघोड़े, दो का अस्तित्व समाप्त हुआ, तीसरी थी फुंडे, और एक थी मेरे ख्याल से सावले, चारों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और ये जो टीमें हैं, एक नवी मुंबई की है, दो है कल्याण डोंबिवली की,
अगर जीती है धारावी तो वाकलन के खिलाफ खेलेगी, अगर जीती है वडौली तो फिर से एक बार मुकाबला और मजा आएगा, लेकिन देखेंगे जीत का जश्न कौन मना पाएगा। ये हवा में है गेंद, इस बार फील्डर गेंद के नीचे शुभम आते हुए, कोई चूक नहीं, अंतिम गेंद के ऊपर मिलती हुई सफलता, और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। दो ओवर का खेल हुआ समाप्त, दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पृथ्वी 11 धारावी टीम। का भी स्वागत करेंगे, नए बैट्समैन आते हुए मैदान के अंदर मनोज नाइक। अब जिम्मेदारियां बढ़ती हुई, रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को तो जप चाहिए, ये तो क्रिकेट के पुजारी है, इन्हें तो ये देवांश भोईर स्मृति जैसे का कप चाहिए, जाएगा किसके हित में। कल सुपर फोर में क्वालिफाई हुई है, गब्द भी उसर ली, बड़े बड़े टीमों को उन्होंने सदमा दिया, आज भी बड़े बड़े सदमे दिए हैं कई टीमों ने, लेकिन देखेंगे वाकलन का रास्ता तो अब तक साफ हो चुका है, लेकिन अंतिम क्षणों में उनके खिलाफ क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम भिड़ेगी। चेंज द गेम वडौली होगी या होगी पृथ्वी 11 धारावी टीम। रन संख्या है दो ओवर में 17, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 12 गेंदे अब बची है, 7 विकेटे धारावी टीम के हाथों में है। गेंदबाजी में परिवर्तन, शुभम क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में, पिछले मैच में फ्राइटेड ललचाते हैं बल्लेबाज को, और उसके बाद बात करेंगे तेज गेंद डालना भी इनकी आदत है। ये अच्छा शॉट है, अनसाइड में खेला है, गैप जरूर है, लेकिन दूर से छलांग लगाते हुए और लेके यहां पर खराब फील्डिंग हुई, दौड़ लगाते हुए फील्डिंग हुई खराब, जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को, गेंद सीमा पार 4 रन। रनों की मदद से यहां पर रन संख्या पहुंची है टोटल 21, लॉस ऑफ 5 विकेट। जबरदस्त यहां पर शुरुआत इस ओवर में होती हुई बल्लेबाज मनोज नाइक के माध्यम से, गेंदबाज होंगे शुभम फिर से एक बार तैयार, गेंदबाज माफ कीजिए शुभम है, व्हाइट बॉल का कराउड अंपायर का, ये होता है प्रेशर, कभी कभी आपके व्हाइट गेंदे आती और चौका आता है ना, तो व्हाइट गेंदे फेंकते हैं गेंदबाज, प्रेशर रहता है कि किस तरीके की गेंदबाजी करूं, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी। हर दिन के बाद यहां रात होती है, हर जीत के बाद मेरे दोस्त साथ साथ होती है, कोई कितना भी बना ले हवाओं में महल, मिलता वही है गुरु जो औकात में होता है। देखेंगे किसके यहाँ पर हौसले बुलंद होंगे, अभी तक तो शुरुआती ओवर में विकेट गवाई थी, बीच वाले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आ रही है धारावी टीम की ओर से। हवा में है गेंद, फील्डर बहुत दूर है, तब तक यहां पर एक रन तो जरूर मुकम्मल, विशाल कॉल करते हुए पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ कि आप इस गेंद को रोके, लेकिन जब तक रोके तब तक एक रन लेने का समय था, छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे सचिन नाइक एज ए कैप्टन, 3 बाई के इस खिलाड़ी के नाम पर है। 2019 में आमदार ट्रॉफी वीगर, 2021 में अमर करा क्रीडा मंडल कासब, 2020 में माफ कीजिएगा 2021 में भी इनके नाम पर ही बाइक रही थी, और 2022 में मात्र तीसरे नंबर की ट्रॉफी लेकर आए, बाइक से चूकी ये टीम। ये खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, काफी इंप्रूव किया अपने आप को, अनुभवी खिलाड़ी किसे कहते हैं, और आज भी बेहतरीन क्रिकेट खेलते। शॉट अच्छा है, बल्ले के रडार में आई है, आवाज भी बहुत अच्छी आई, लेकिन लॉन्ग ऑफ को बीट करती हुई गेंद सीमा पार 6 रन। है कमाल के मिडिल ऑर्डर्स में जब भी जरूरत होती है अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि खांदा में मोरिया ग्रुप ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, टॉप सुपर फोर में एल और से क्वालिफाई होती, लेकिन बी टीम के पोल में ही इन्हें हार का सामना करना पड़ा, टीम के सामने तीसरे नंबर की ट्रॉफी घर लेकर गए थे। लेकिन यहां पर देखेंगे इस ओवर में काफी अच्छे रन नजर आते हुए, 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 29 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, सचिन ने शुरुआत की बेहतरीन, 7 रन के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। इस बार पैरों पर जरूर टकराई थी गेंद,
अपील तो हुई थी डार्क हिट करने का प्रयास, खिलाड़ी शायद सुरक्षित रहेंगे। मैदान के अंदर एक रन लेग बाय इसका इशारा अंपायर का और एक रनों की मदद से टीम की जनसंख्या पहुंचती हुई 30 रन। पिछले मुकाबले में सिर्फ 44 रनों का टारगेट था, वो रनों को बचाया, लेकिन जैसे जैसे ठंड गिरती जाएगी ना वैसे वैसे थोड़ा पिच में भी मजा आएगा, बल्लेबाजों को थोड़ी सी तकलीफें होगी। जो पिछले मैच में आपको नजर आए केतन मात्रे कुछ हद तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, विश्वजीत ठाकुर मोटिया कुछ हद तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, एक छोर से लड़ रहे थे छोटिया लेकिन वो भी लौटे और मैच पूरी तरीके से फंस गई थी। तो शायद यही सोच होगी कि 40-45 के भीतर ले जाए। ये शॉट बढ़िया है, अपने बाजुओं को खोला और गेंद को फेंक दिया वी शेप के बीच में से साइड से सीमा रेखा पार, 6 रन। मेरे ख्याल से ये बड़ा ओवर है, इस ओवर में अभी तक बात करेंगे तो टोटल 18 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए, यानी कि खराब यहां पर गेंदबाजी। तो 19 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने। यहां पिच लाइन की बॉल, शॉट बढ़िया है, फील्डर बहुत दूर है उनके पास से, दूर गेंद सीमा पार, वन माउस ओवर द लाइन, महंगे ओवर की यहां हुई समाप्ति और रन लगभग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए टोटल रन बने हैं 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैडी देखिए, जब भी रायगढ़ में टूर्नामेंट होती है तो बिल्कुल बड़े बड़े टीमें, दिगोड़े गोरसई नव्या का मेरे ख्याल से वडौली है, वाकलन है, सावले है, फुंडे है, ऐसी कामबोट है, बड़ी बड़ी टीमें खेलती है, लेकिन इस लॉर्ड्स में दो टीमें नेरे धुंधरे विभाग की ऐसी है ना जिन्होंने सदमा दिया है बड़ी बड़ी टीमों को। एक है नेरे टीम जिसने जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम जिन्होंने गोरसई टीम को सदमा दिया, दूसरी टीम है मेरे ख्याल से तिरंगा 11 धुंधरे जिन्होंने चेंज द गेम वडौली बी टीम को सदमा दिया। सचिन नाइक भी जानते हैं कि दारावे टीम को भी इन्होंने सदमा दिया, कभी जाकर देखो नेरे धुंधरे में भी ये टीम हमारे लॉर्ड्स में खेलती, लेकिन अच्छी बात है आप बड़े लॉर्ड्स में खेलकर आगे जा सकते हैं और ये साबित कर दिया दो टीमों ने। और एनडी विभाग की ये दोनों ताकतवर टीमें जरूर उनका स्वागत करेंगे, हार जीत तो होती है लेकिन चलिए कभी कभी ये शेर के मुंह में हाथ डालना ये बहुत बड़ी बात होती है, जीतवाई जीते 11 टीम होती है, ये भी टीम अच्छी रहती है। गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार, विशाल गेंदबाजी के मार्ग पर, इनका अलग एक्शन है, इनकी गेंद जब पड़ती है ना राउंड द विकेट से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है और यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजरें मिलांगे फिर तेरी नजर से, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी तेरे उभरते हुए हुनर को। बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन बने हैं और यहां पर देखेंगे गेंदबाजी के मार्ग पर विशाल फिर से एक बार तैयार होते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज यहां पर सचिन नाइक, अभी तक 4 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, कट किया है बैकफुट पॉइंट के बीच में से, ये गैप ढूंढिए आउटफील्ड फास्ट है, गेंद नहीं रुकने वाली, ये दिल मांगे मोर वेलकम फॉर। कैमरामैन है बिल्कुल हमारे सुमित, इतना जोर से फटका मारा ना अपने हाथ के ऊपर ऐसा मच्छर नहीं लगता, बहुत जोर से काटा होगा। तो यहां पर बिल्कुल गेंदबाज तैयार, चौका आता हुआ, रन संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 45-45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सेट टारगेट होगा मेरे ख्याल से, ये पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अभी तक कुछ गेंदों का शेष खेल बाकी है, एक रन बटोरा एक ने साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46, 46 रन 4 रन से दूर है टीम अर्धशतक से, लेकिन देखेंगे यहां पर गेंदे भी बची है टोटल अभी तक 4, स्ट्राइक इन पर जिस बल्लेबाज ने एक दमदार छक्का धागा है वो बिल्कुल खेलने के लिए तैयार होते हुए मनोज नाइक, मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी के लिए 5वें क्रमांक पर आ चुके हैं, अभी तक बढ़िया
परिस्थिति के अनुसार मिडिल ऑर्डर्स का कारोबार निभाते हुए। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल यहां पर खेला है, फील्डर है, मिड विकेट में उठाएंगे, फील करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, लेकिन थ्रो सही है, फील्डर है वहां पर, मेरे ख्याल से कल्पेश एक बेहतरीन फील्डर के तौर पर जाने जाते हैं। ये तीनों भी एक लाइन के साथ खिलाड़ी है ना, मोगली है, कल्पेश है और काबा, ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी है, इतने गोरे गोरे खिलाड़ी है, तीनों सगे भाई, बिल्कुल एक लॉन्ग ऑन है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग है और एक मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में फील्डिंग करते हुए, ये तीनों लाइन के साथ यहां पर फील्डिंग करते हुए। गेंदबाज तैयार, गुड कम बैक विशाल के द्वारा, राइट आर्म फ्रॉम द विकेट से फिर से एक बार तैयार होते हुए, ये अच्छा शॉट था, फील्डर है मौजूद 30 यार्ड सर्कल में, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल के साथ क्यों ना हो, एक बड़ा टारगेट खड़ा करना चाहती है, 48 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, दो गेंदों का खेल बचा हुआ है, चाहती तो यही होगी धारावी टीम, एक आध बड़ा शॉट आए और यहाँ पर एक टारगेट बड़ा सेट करे, और यही चाहती होगी वडवली टीम कि रोके इन दो गेंदों के ऊपर, जितने रन रोकेंगे उनका ही फायदा होगा, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर पाते। राउंड विकेट से दो गेंदों का खेल यहां पर बचता हुआ, विशाल ने बेहतरीन कमबैक दिखाते हुए अपनी टीम के लिए, लो फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में खेला है, फील्डर थे उनके पहुंच से दूर, गेंद सीमा पार, 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर 4 रन बटोरे, 50 कंप्लीट, पृथ्वी 11 धारावी टीम की होती हुई, बढ़िया टारगेट 52 अभी तक बने हैं, रात्रि के ठीक 2 बजे का समय, अभी भी 1500 से अधिक दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। ये अंतिम गेंद थी, बिल्कुल यहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ, एक गेंद है एक्स्ट्रा, रन बनी है एक्स्ट्रा, क्या हर्ष होगा इस अंतिम गेंद के ऊपर, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए, अच्छा यहां पर रन अंदर नजर आते हुए, मैदान पर अपना 100% देने पर विश्वास रखता हूं और यही प्रतिबद्धता मेरे जीत की कारण बनती है, ये सचिन नाइक ने हमेशा दिखाया, ये कमलेश और ये दिखाया जरूर विशाल ने, लेकिन अंतिम गेंद ऑन साइड में खेला, स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर आते हुए, एक रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए कोशिश यहां पर करते हुए, आसानी के साथ रन यहां पर पूरे किए और इसी के साथ पहले पारी का खेल हुआ समाप्त, और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 55 रन, जीतने के लिए 24 गेंदे और मेरे ख्याल से 56 रनों की आवश्यकता है, चेंज द गेम वडौली बी टीम के लिए, रनों को रुकेंगे, रन बनेंगे, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में, ओमकार शेट्टे वाकलन, तब तक सुनिए डीजे मैडी की सुमधुर संगीत, ठोक मैडी शिवसेनेचे शाखा प्रमुख आदरणीय सुभाष अनंत पाटील साहेब यांच्याकडून वडवली संघाला शुभेच्छा, त्यांचंही मनापासून स्वागत करूया, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, दादा आपण देखील मॅचचा इथे आनंद घेत आहेत, सातत्याने वडवली संघाला नेहमी चांगलं योगदान त्यांच्या माध्यमातून दिलं जात आहे, तर चला फास्ट करा, सातत्याने वडवली संघाचे पुरस्कार देखील राहिलेत, तर विजयासाठी तब्बल 24 बॉल 56 एक चांगलं टार्गेट पृथ्वी 11 धारावे संघानं मात्र या ठिकाणी सेट केलंय, पाहूया या ठिकाणी या धावा होतील की धावा वाचवल्या जातील, याचं धावतो वर्णन ओमकार शेट्टी यांच्याकडे जाऊया।
पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी केली टीम पृथ्वी इलेवन धारावे आणि टार्गेट जर पाहिलं तर या ठिकाणी सेट झालंय चार ओव्हरची मॅच आणि अब तक 56 एक मोठं लक्ष आणि मैदानावरती मोठा खेळाडू देखील दाखल झालाय विशाल पाटील आणि त्याच्या सोबतीनं रितिक पाटील ही सलामीची जोडी इन ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळते ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला देऊया आपण मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा आणि लगेच जाऊया ऑन गोईंग मॅच कडे टीम हडल सध्या सुरू आहे टीम मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण पाहिली तर पृथ्वी इलेवन धारावे जी खेळती आहे आज केतन दरे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ इन ॲक्शन ऑल द बस चला गेम लवकर स्पीडअप करा कारण रात्रीचं क्रिकेट वय देखील फार झाली आहे 2:00 झाली आहेत आतापर्यंत 3 आणि अजूनही यानंतर आपला एक सामना बाकी आहे म्हणजे जवळजवळ आज टीम देवांश इलेव्हन चिंचपाडा 3:30 ते 4:15 तुमची सुट्टी होणार काल देखील याच रात्रीच्या वेळेला झाली सकाळी उठून ते सगळे जॉबला जाणार पुन्हा संध्याकाळी इकडे पोहोचणार स्पर्धा भरवणं अगदी सोपं काम आहे मग ती सातत्यानं टिकवणं आणि त्यातल्या त्यात रात्रीची स्पर्धा म्हटलं की टेन्शन डोक्याला काय असतं तुम्ही एकदा आयोजक बनूनच बघा कारण ते शब्दात सांगण्यासारखं नाही आहे हॅट्स ऑफ टू यू सलाम देवांश इलेव्हन चिंचपाडाच्या कार्याला कारण टेनिस बॉल क्रिकेट जगतात ही रायगडातील एक भव्य दिव्य रजनी क्रिकेट स्पर्धा तुमच्या भेटीस त्यांनी आणली आहे विकी भोईर नवी मुंबई एक्सप्रेस पहिला बॉल वेगाचा बोलबाला क्लीन बॉल यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट फनीचा डिस्ट्रॉय विशालला विशाल परतला पहिल्या बॉल वरती धक्का दिला विकी भोईरनं टीम वडवली ब या संघाला जी टीम खेळती आहे या टुर्नामेंट मध्ये कैलासवाशी संतोषजी फडके यांच्या स्मरणार्थ पहिल्या बॉल वरती झालाय या ठिकाणी रॉयल डक चा शिकार रॉयल डक गोल्डन डक पॉन्स डक डायमंड डक अशा टर्म्सचा वापर त्या संज्ञेनुसार केला जातो 17 जुलै 1866 ला जेव्हा प्रिन्स ऑफ वेल्स क्रिकेट खेळत असताना 0 बाद झाला त्यावेळी क्रिकेटमध्ये डक हा शब्द सेकंड डे आला ज्यावेळी वृत्तमानपत्रामध्ये बातमी आली प्रिन्स ऑफ वेल्स गोज ऑन डक अँड मुटू शाही पवेलियन तद्नंतर क्रिकेटमध्ये डक या शब्दाचा शोध लागला हॅट्रिक हा शब्द कधी आला क्रिकेटमध्ये ज्यावेळी 3 बॉल 3 विकेट्स घेतले त्याच्या संघ सहकाऱ्यांनी त्या गोलंदाजाला हॅट दिली आणि तद्नंतर क्रिकेटमध्ये हॅट्रिक या नावाची उत्पत्ती पाहायला मिळाली इथे विकी पोवर देखील हॅट्रिक चंबरट्यावरती येऊ शकला असता जर हा कॅच त्यांना टिपला असता जेल या ठिकाणी सुटलाय आणि सिंगल झाली पूर्ण आणि एका सिंगलच्या मदतीनं अकाउंट झालं ओपन फलंदाजी करणारा टीम वडवली ब क्रिकेट संघाचं टार्गेट आहे 56 रात्रीचं क्रिकेट 14 सरासरी जवळजवळ जास्त तर मग रितिक पाटीलचं आता मैदानावरती थांबणं फक्त थांबणं नाही त्याच्या बॅटमनं रन्स येणं फारसं गरजेचं बॉल आता यार मच्छिंद्र स्मृती धारावे टीमचा गोलंदाजी मधला ट्रम्प कार्ड आणि त्या ट्रम्प कार्ड वरती ठोकलाय हा मोठा फटका बॉल चालला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अंबाचा इशारा एका टप्प्यावरती चेंडू फरार चरण अग्री कोई समाजातील एक गोड असा आवाज जगदीश पाटील यांच्या आवाजामध्ये स्वरबद्ध झालेलं हे संगीत खरं तर हे एव्हरग्रीन सॉन्ग आहे अग्री कोई समाजातील यानंतर तुम्ही अजून 20 वर्षानंतर ऐका तरी तुम्हाला हवं हवंसं आणि ऐकावंसंच वाटेल कारण आमच्या बालपणी हे सॉन्ग आलं आज जवळजवळ 15 ते 16 वर्षानंतर जरी तुम्ही ऐकलात तरी त्या संगतातील जी गोडी आहे ना ती वाढतच जाते हा स्लोवर वन होता का
या पाहूयात फिंगर कैसे रोल, यस फिंगर रोल झाले होते, मागच्या बॉलच्या कंपॅरिझन मध्ये कमी गतीने टाकलेला होता आणि पडल्यानंतर चेंडू फिरला, चेंडू वळला, अगदी हेच म्हणावं लागेल. विकी भोईर आता ते देखील करू शकतोय, ते त्यांना दाखवलं, फक्त तो फास्ट बॉलर नाही आहे. हा शॉर्ट लेन समोर, लॉंग ऑन बाउंड्री, लाईनच्या बाहेर, मागचा चौकार, तज्ञांचा डॉट, तज्ञांचा पुन्हा एकदा जय जयकार, फलंदाज रिदिक पाटीलच्या नावाची 6 धावा. तर मॅच ऑन आहे असं म्हणावं लागेल, कारण विकी भोईर विरुद्ध वार केलेत आणि वडवली ब संघाला कोणी उगाच म्हणत नाही. चेंज द गेम, हा फुल टॉस, हा देखील जाणार बॅकवर्ड स्कोलेगच्या दिशेनं, फिल्डर येणार मात्र पोहोचणार नाहीत, बॉल ट्रॅव्हल होणार, सरळ निघून सीमारेषा बाहेर, फाडत तोडत चिरत असताना डरकाई फोडतोय असं म्हणावं लागेल. या क्रिकेटच्या जंगलामध्ये वडवलीचा वाघ आणि त्या वाघाचं नाव आहे ऋतिक पाटील. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, जी सरासरी हवी होती ती मिळाली आहे, 15 रन झालेत, 1 गडी बाद झालाय. सुखाची छाया ग माऊले, सुखाची छाया ग आमा शिरावरी हाय ग माऊले शिरावरी हा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला, विगी भोईरसाठी कदाचित आज या खेळपट्टीवरती रन्स होत्या आणि त्या आलेत या षटकामध्ये देखील, 15 ओव्हर नंबर 2 आणि सध्याच्या घडीला नवी मुंबई विभागातील सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू आणि धीरज भोईर तयार होतं बॉलिंग ट्रॅकवर. नवी मुंबईचं क्रिकेट सध्या यंगस्टर्सचं जर आपण पाहिलं ना, तर ग्रामीण क्रिकेट ज्या टीम सातत्यानं नवी मुंबई परिसराच्या बाहेर खेळतात त्यामध्ये मग एक नाव येतं नमित पाटीलचं, एक नाव येतं धीरज भोईरचं. क्या बॅटिंग केली होती नमित पाटीलनं ज्यावेळी तो खेळत होता TDPL ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग, डिस्ट्रिक्ट लेवलचं क्रिकेट होतं. 3 बॉल 3 षटकार मारून मॅच त्यानं संपवली आणि त्याच नवी मुंबई विभागातील एक खेळाडू होता ज्यानं सध्या पूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेट दणाणून सोडलाय आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती, अर्थातच गावदौली घनसोलीचा खेळाडू आणि नाव त्याचं विशाल शहा. नवी मुंबईचं क्रिकेट फार वेगानं प्रगती करतंय. नवी मुंबईचं क्रिकेट म्हटलं की प्रत्येकाच्या होटावरती नाव कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट भूषण पाटीलचं येतं. आता तिथनं तारे सितारे घडतात. फ्रेंडशिप ट्रॉफी रत्नागिरीची विकी भोरनं गाजवली, 17 विकेट्स कॅरी करत असताना व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला आणि नुकतीच झालेली कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी ती देखील गाजवली धीरजनं, त्याच्या सोबतीनं विकीनं. आणि त्यावी ह्या सगळ्या ज्या प्लसला ना आपण प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे डिंगलॉंगसाठी खेळताना पाहिलं ती देखील एक प्राईड मुमेंट होती त्या क्षणाला नवी मुंबईच्या क्रिकेटसाठी. आणि नवी मुंबईतनं जे चाहते आमच्यासोबत जोडले त्यांचं करूया वेलकम. दुसऱ्या बाजूला कल्याण डोंबिवली, क्रिकेटचं माहेरघर म्हणून रायगड आणि ठाणे या 2 जिल्ह्यांकडे पाहिलं जातं. आणि कल्याण डोंबिवली म्हटलं तर एक असा परिसर ज्या परिसराला क्रिकेट शिस्तीसाठी ओळखला जातं आणि त्याचं फक्त आणि फक्त एक मात्र कारण आणि नाव आहे ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष विनोदा पाळल. धाव फलकावरती धावा 20 बनवायच्या आहेत 56, अजूनही 36 धावेचा प्रवास बाकी. इथनं तो पूर्ण केला जाणार की 36 धावा रोखल्या जाणार येणाऱ्या चेंडूमध्ये टीम पृथ्वी लवन धारावेच्या माध्यमातून. खोलवा टप्प्याचा बॉल फटका बाची बाहेरची मोठी कडा घेऊन थर्ड मारला. एकच धाव मिळती आता दुसरी मिळणार का? वडवली आहे त्यामुळे क्षणात धाव पूर्ण केली जाते आणि या ठिकाणी मात्र धाडस झालं नाही कारण विकेट देखील धोक्यात होती. अजूनही गोलंदाजीसाठी भावेश येणं बाकी आहे, सचिन नाईकचं येणं बाकी आहे. धीरज भोईर मात्र चांगली कामगिरी करतोय, रिक्वायर रन रेट 10 पेक्षा पुढे आहे आणि सध्या तरी सिंगल डबल्स फक्त त्यांना खर्च केलेत ती एक चांगली बाब असणार आहे. हा फुल टॉस होता, फायदा उचलू शकले नाही आहे, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि सिंगल झाली आहे पूर्ण आणि या सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड पुढे सरकत आहे टीमची टोटल 22. म्हणून तर म्हटलं जातं की तुमच्या संघामध्ये जर टीम वर्क आहे तर तुमचं ड्रीम पूर्ण होणार आहे आणि वडवली बीचं टायटल आहे
चेंज द गेम आणि दुसऱ्या बाजूला सचिन नाईक आणि त्याच्या टीमचं टायटल आहे टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क वन टीम वन ड्रीम म्हणजेच मचिंद्र स्मृती दारावे बॉल तयार फार महत्वाचा बॉल आहे स्कोरिंग शॉट गरजेचं आहे दुसऱ्या बाजूला ऋतिकचं थांबणं गरजेचं आहे धीराज बोहीर समोर तो धोका पत्करला जाणार की विकेटवरती थांबणार ऋतिक पाडल आणि धोका तर पत्करला जरूर मात्र मियाला निर्धाव चेंडू धीरज भोईरला टीम दारावेला दोन षटकांचा खेळ संपला टीमची टोटल 22 विकेट गेली एक उर्वरित 12 बॉलचा खेळ शिल्लक मॅच अजूनही ऑन आहे 9 विकेट्स वडवलीच्या हातामध्ये फक्त रिक्वायर्ड रन फार झपाट्याने पुढे गेलाय मात्र आता ते कमी होणार का येणाऱ्या ओव्हर्समध्ये धावा बनणार का येणारे चेंडू 12 धावा आवश्यक आहे 34 सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती जिंदगी हर पल कभी उदास नहीं होती अपने आप पर यकीन रखना राही कभी कभी वो भी मिल जाता मैडी जिसको कभी आस नहीं होती यस कम ऑन डीजे मैडी एप्लिकेशन लेवल ज्याला म्हटलं जातं ना ते या नावानं दिलंय न्यू बॅटर इंटर झाला शुभम पाटील चांगला खेळतोय तर प्रमोट करणं गरजेचं आहे आणि अगदी तेच केलंय कॅप्टननं शुभमला मैदानाच्या आतमध्ये पाठवलं नंबर 4 वरती फटका दमदार मात्र उंच गेलाय दूर नाही मात्र आनंद भरपूर मिळेल कारण झेल सुटलाय ऋतिक पाटीलचा भावेश नाईकच्या खात्यामध्ये विकेट ऍड होता होता राहिली आहे आणि एक सिंगल त्या ठिकाणी केली जाईल पूर्ण आणि एका सिंगलच्या मदतीनं समीकरण उरलंय येणारे चेंडू 10 आणि आवश्यकात धावा 31 12-34 समीकरण होतं 10 बॉल 31 रनची गरज आहे यशाचं शिखर गाठण्यासाठी काही वेळेला अपयशाच्या पायऱ्या देखील चढावं लागतात आणि म्हटलं जातं ना अपयशाच्या कठीण खडकाखालीच यशाच्या पानाचे झरे देखील वाहतात अगदी ते प्रत्येकाला पाहायचेत फॉर्च्युन इव्हेंट्स अगदी शून्यातून एक वेगळं विश्व या सगळ्यांनी तयार केलं की बिकडं बॉईज एक 168,000 सबस्क्रायबर्स सध्या त्यांच्या काढ्यात आणि त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सगळ्यांचंच मोठं योगदान आहे मग राजेंद्र दादा असतील त्याचबरोबरीनं जर आपण पाहिलं कृष्णा असतील अंकित असतील माही विजय आणि सगळे सगळे जे लेजंड्स आहेत या टीमचे सध्या अनेक आता नवीन कॅमेरामॅन देखील ॲड झालेत सध्या आपण पाहता या टुर्नामेंटमध्ये रोशन त्याचबरोबरीनं अनुजला तुम्ही पाहता आणि दारावे या टीमचे अनुज फॅन आहेत म्हणजे सध्या ते खुश असतील 27 धावा फलकावर आणि विकेट्स गेलेत त्या म्हणजे 2 बॉल तयार आहे बॉलिंग ट्रॅकवर षटकातील पुढचा बॉल घेत असताना भन्नाट वेग्या भन्नाट वेग्या ज्या वेगानं धावतोय ना सध्या भावेश नाईक त्याचं प्रत्येक पाऊल ना दारावे गावाच्या यशाच्या दिशेनं धावत आहे त्याचं प्रत्येक पाऊल ना ते दारावे गावाच्या स्वप्नांना सोबत घेऊन खांद्यावरती जिम्मेदारीचं मोठं ओझं सचिन नाईकनं माझ्याच ठेवलंय
अगदी त्या आशेने तो कामगिरी करतोय. वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर. अगदी रबर बॉल क्रिकेट पासून झालेली सुरुवात, मात्र आता बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सचिन नाईकच्या हाताला बॉल आज चाटत पुसत नाहीये. कठीण जरूर होतं, स्ट्रगल झालं, मात्र जर सचिन नाईक आहे तर टीम धारावी अपेक्षा ठेवते की हा बॉल स्टॉप व्हायला हवा. बॉल गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, धावा मिळाले 4 चौकाराच्या मदतीने. टीमची टोटल फ्लाय होती आहे जी जाऊन पोहोचली आहे आतापर्यंत धाव फलकावरती 31 या आकड्यावर. आणि जिंकण्यासाठी अजूनही करायच्यात 25 धावा आणि उर्वरित चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत, ते म्हणजेच 7 बॉल 25 धावा. अशीच काही मॅच होती चिरणीची क्रिकेट स्पर्धा. क्वार्टर फायनलचा सामना जिंकून दिला याच फलंदाजानं. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट अगदी स्वप्नातली पहिली बाईक मिळाली आणि डिझर्व करत होता. विशालनं देखील तेच सांगितलं, खरं तर हा त्याचा हक्क आहे आणि तो त्याला देण्यात आला. षटक संपन्न झाली, 3 धावा झालेत धाव फलकावरती, 31 उर्वरित 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी करायच्या धावा त्या म्हणजेच तब्बल 24 6 बॉल 24 धावा. या चमचमत्या आकर्षक ट्रॉफी सध्या तुम्ही पाहताय, ज्या ट्रॉफीच्या करंडकासाठी अर्थातच या मानाच्या स्पर्धेसाठी हा होते संघर्ष. अर्जुन परदेशी अगदी डोळ्यावरती झोपा, मात्र झोपू शकत नाही, माहिती आहे जिम्मेदारी खांद्यावरती या स्पर्धेची. 31 विकेट गेले 2. देवांश 11 चिंचपाडा, खरं तर एक अशी टीम आहे ना अर्जुन दादा की कमीत कमी पुढच्या हंगामामध्ये देखील आम्ही अपेक्षा ठेवू की रायगडच्या इलॉट्समध्ये ही टीम पाहायला मिळावी, कारण ती क्वालिटी आहे या टीमकडे. अर्जुन परदेशीचं अनेक वर्षाचं सातत्य आणि त्याचबरोबरीनं जर आपण पाहिलं तर यंगस्टर्स देखील फार चांगली कामगिरी करतात. रोशन पाटील आणि 6 बॉल 25 सॉरी 25 56 टार्गेट आहे. उमेश भोईर सरत आणि सध्या त्यांच्या मदतीला आलेत हर्षद भोईर स्कोरिंग साठी. 6 बॉल 25 4 षटकार 1 सिंगल किंवा 3 षटकार चौकार काही स्कोरिंग शॉट, तर दुसऱ्या बाजूला टीम पृथ्वी 11 धारावे म्हणत असेल 2 डॉट बॉल. सचिन नाईक बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार आहे. पहिलाच बॉल फटका चांगला स्वागत आणि मड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विजयाची आस जागी ठेवणारा हा फर्स्ट क्लास सिक्सर. क्या फटका लगावला आहे. खरं तर विक्ट्री मार्जिन आपण ऍडव्हान्टेज पाहिलं ना बॉलरच्या बाजूनं फार मोठं आहे, कारण त्यातल्या तर सचिन नाईक सारखा गोलंदाज आहे. मात्र हा फलंदाज सांगतोय लढताना झालेल्या जखमा जिंकल्यावरती तास देत नाही, त्या अभिमानानं मिरवल्या जातात. अभिमानानं त्या अभिमानासाठी खेळायचं आहे. चेंज द गेम, इथनं देखील गेम चेंज होणार का त्याकडे लक्ष लागलंय. रिक्वायर रन रेट अगदी 22 वरती आहे. लाईन चेक करावी लागेल ऑफ स्टिकच्या बाहेर. एक्स्ट्रा रन जेव्हा कोणी हात आणि साथ दोन्ही सोडून देतं तेव्हा बोट पकडून रस्ता दाखवणारी जवळची व्यक्ती म्हणजे मित्र. अगदी आता शुभमला देखील त्याला साथ देणं गरजेचं आहे या मॅचच्या दरम्यान. प्रत्येकी फलंदाजाचा रोल आता मोठा झालाय, पाहिजे इथनं तो निभावणार का. रतिक पाटील आणि त्याच्या सोबतीनं शुभम. 5 बॉल 18 धावा. अजून एक मोठा फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आता रुतिक पाटील सांगतोय रखून मैं उबाल जब तक जवानी है, तर इसी अंदाज की तो ये चेंज द गेम दीवानी है. बिगिट तुझे भक्तीचा गजर यो काही दिशा मध्ये घुमतय, आई तुझे भक्तीचा गजर यो काही दिशा मध्ये घुमतय. अगदी सचिन नाईक बेधडकपणे बॉलिंग करण्यासाठी आला, कोणती टीम हडल झाली नाही. मग आता 2 बॉल 2 षटकार झाल्यानंतर टीम मीटिंग कॉल करली. ना हारना जरुरी आहे क्रिश, ना जितना जरुरी आहे माडी, जिंदगी एक खेळ आहे, बस इथे खेळला जरुरी आहे आणि अगदी तो खेळ मी खेळायला तयार आहे हे मैदानावरती सांगतो रुदिक पाटील. सचिन नाईकचा अनुभव सध्या तरी काम येत नाहीये. 4 बॉल रन्स करायचे जिंकण्यासाठी, 13 कंपल्सरी चेस हा सॉरी 12 एक वाईट बॉल आलाय, माफी असू द्या. एक एक रन आता महत्वाची आहे कारण सामना एक वेगळ्या वळणावरती.
अजून एक चांगला फटका मध्ये आता लॉन्ग ऑफला फिल्डर आहे. व्हॉट अ फिल्डिंग. अतिशय दमदार दमदार क्षेत्ररक्षण झालंय. दोन धावा नक्कीच वाचवलेत आपल्या संघासाठी. मिळालेत रन्स या ठिकाणी दोन आणि समीकरण उरलंय येणारे चेंडू तीन आणि जिंकण्यासाठी करायच्या धावा त्या म्हणजे दहा. आत्मविश्वास भरपूर आहे. रितिक पाटील ज्या बॉडी लँग्वेजनं सध्या बॅटिंग करतोय आणि म्हटलं जाताना हौसले भी कभी किसी हकीम से कम नाही होते. हर तकलीफ में वो ताकत की दवा का काम करते. आणि कोणत्याही संघर्षात ज्यावेळी विजय मिळतो ना त्यावेळी संघर्ष महत्वाचा असतो. सचिन नाईकला सध्या तो करावा लागतोय. तीन बॉल दहा धावा. इथे लाईन सुंदर आहे. स्ट्राईक मध्ये सोडली नाहीये. यस मला करायचंय. अगदी ते सचिन नाईक सांगतोय. आजच्या दिवसामध्ये पहिली मॅच चेस झाली नाही, दुसरी मॅच चेस झाली नाही, तिसरा सामना पहिल्या फेरीतला चेस झाला नाही, पहिल्या फेरीतला चौथा सामना चेस झाला नाही. नुकतीच आपण सेकंड राऊंडची मॅच पाहिली. वाकांना चेस करू दिली नाही. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच रंगती आहे. तिथे देखील चेस होणार का हा प्रश्न बाकी. ते या मैदानावरती टार्गेट चेस करणं कठीण आहे. मात्र जर हे गावात तुम्ही उसारलीला जाऊन विचारलं ना ते सांगतील हे साफ खोट आहे. काल सहा बॉल वीस रन चेस करताना चार बॉल मध्ये मॅच संपवली. दोन बॉल तीन करताना चौकार मारून मॅच संपवली. अंतिम सामना देखील त्यांनी डिफेंड केला आणि त्यानंतर ते जिंकले. सुपर फोर मध्ये आलेत राकेश दादा आणि त्यांची टीम. हा बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. मॅच ऑन होती. मात्र एक चांगला फिल्डर देखील तुम्हाला मॅच जिंकून देऊ शकतो. त्याचं ज्वलंत उदाहरण दीपक ठाकूर. एकदा टाळा त्याच्यासाठी व्हायला हव्या. प्रत्येकाचा रोल मोठा असतो. कणिकनं मॅच ऑन बाकी असती आणि काय फोल्डिंग केली आहे. आणि ज्या वेगानं चेंडू वाटत होता बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय. एक बॉल सात समीकरण येईल असं वाटलं. तिथे समीकरण बाकी आहे. एक बॉल आणि आठ धावा. एखादं मॅजिक वाचू शकतं. मात्र या कंडिशन्सला सचिन नाईक चमत्काराला नमस्कार होऊ देणार नाही. त्याला माहिती आहे कारण आता जिंकायचं. मात्र खेळाडू कितीही मोठा असू द्या दबावाला ना की चूक होतेच. ज्यावेळी विश्वचषक 1983 सुरू होतं भारतीय संघ अडचणीत होता. कपिल देव निकजनी टिपलेली कॅच आणि त्यानंतर भारतानं पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकलं. ही स्पर्धा देखील रजनी क्रिकेटमधली वर्ल्ड कपपेक्षा कमी नाही आहे. ग्रामीण क्रिकेटसाठी रायगड नगरीसाठी चिंचपाडा गावासाठी. आणि हा बॉल चालला आहे बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. फिल्डर आलेत. वॉल स्टॉप. मिळाली नाहीये एकही धाव. म्हणजे सात धावेच्या फरकानं हा सामना त्या ठिकाणी जिंकलाय. मात्र मात्र जरी टीम वडवली व मैदानातून बाहेर झाली रितिक पाटीलचा संघर्ष आणि त्यानं घातलेला मैदानावरती धाव यांचं थैमान तुम्हाला आवडलं असेल तर एकदा त्या खेळाडूसाठी टाळा जरूर व्हायला हव्या. बिकॉज तो डिझर्व करतोय. फार चांगली कामगिरी त्यानं केली. एकदा रितिक पाटीलसाठी टाळा तर नक्की होत आहेत कारण अतिशय चांगला खेळ त्यानं केला या मैदानावरती आणि पराभूत झाली टीम आणि स्पर्धा सोडावी लागतीय. मजिंद स्मृती दारावे विरुद्ध सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो म्हणजेच टीम सार्थक इलेव्हन जीजी स्पोर्ट्स वाकण. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण देतोय आणि सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मनोज नाईक. सात बॉल बावीस धावा. म्हणजे आता दारावे म्हणत असेल फटा पोस्टर निकला हिरो. तर या मॅन ऑफ द मॅच साठी आणि सचिन नाईक ना टॉस साठी कावा शेक हँड्स करायचं. चला लाईन अप करून या आपण धारावी संघ आणि कॅप्टन सचिन आपण लगेच टॉस साठी आणि मनोज ठरलेत या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. वाकण संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत. तर टॉस करूया आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच. अर्थातच क्वार्टर फायनल जो संघ विजय होईल तो अर्थातच टॉप सुपर फोर गावदेवी उसरली संघासमवेत त्यांचं नाव मात्र इथे जोडला जाईल.